नमस्कार भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एमडीएल इन्फॉर्मेशन में। अगर भाइयों आपको आवास योजना से संबंधित हर एक अपडेट व नई नई जानकारियां चाहिए तो हमारे चैनल एमडीएल इन्फॉर्मेशन को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भाइयों आवास योजना से संबंधित हर एक अपडेट व नई नई जानकारियाँ इस चैनल पर आपको डेली मिलती रहती हैं। चलिए भाइयों बात करते हैं वीडियो को लेकर। पीएम आवास के जितने भी लाभार्थी हैं, जिनको आवास का लाभ मिल चुका है या फिर जितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी आवास का लाभ नहीं मिल पाया है, उनमें बहुत सारे लोगों को सरकार ने नोटिस भेजा। जी हाँ भाइयों, आवासीय आवास विभाग डूडा ऑफिस ने बहुत सारे लोगों के नाम पर नोटिस भेजा है। जी हाँ भाइयों, बहुत सारे लोगों के नाम पर नोटिस भेजा है। अब नोटिस कौन से रूप में है ये आपको बता रहा हूँ दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। क्या है इसका मतलब, यह नोटिस जाने का क्या मतलब है और क्यों यह नोटिस भेजी जा रही है सरकार की तरफ से, यानी विभाग की तरफ से। तो चलिए भाइयों मैं पहले बताता हूँ जिनको आवास का लाभ मिल चुका है। दोस्तों आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिनको आवास का लाभ मिल चुका है लेकिन उन्होंने अपने काम को पूरी तरीके से नहीं करवाया। जैसे जेई की कुछ लापरवाहियों की वजह से ना उनको तीनों किस्त रिसीव हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिन्होंने अभी तक लैट्रिन बाथरूम नहीं बनवाया है, जिसके वजह से वो घर अभी भी आधा अधूरा है, जो कि जियो टैगिंग की प्रॉब्लम आ रही है, जिस वजह से सरकार ने बहुत सारे लाभार्थियों को नोटिस भेजा, जहाँ पर उन्होंने बताया कि जब तक आप लोगों ने ये बाथरूम पूरी तरीके से कवर नहीं करेंगे, यानी अपने घर को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं करेंगे, तो आगे की कोई भी लाभार्थी यानी आगे चल के कोई भी लाभ नहीं पा सकते, क्योंकि आपका डाटा इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे लोगों को जेयू को भी निर्देश दिया गया कि जितने अधिक से अधिक जो अधूरे आवास बचे हैं उनको पूरा कराने का निर्देश दिया है। तो भाइयों पहली नोटिस ये थी कि जो लोग आधे अधूरे में आवास छोड़ दिए हैं और तीनों किस्त रिसीव कर लिए किसी बिना किसी चालाकी से, तो उन सभी को लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर रही है सरकार। और नोटिस में यही बताया जा रहा है कि जल्द ही अपने सभी लाभार्थियों को आप अपना घर कंप्लीट करवा लें। अब बात करते हैं दोस्तों, जो लोगों को आवास का लाभ नहीं मिला है, यानी जिन भाइयों को आवास का नहीं मिल पाया है, उनके लिए क्या नोटिस जारी करी सरकार। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो लोग आवास का भी इंतजार कर रहे हैं, जो कि मैंने पिछले दो तीन वीडियो में लगातार बताया आपको भाइयों कि बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट अभी तरीके से कंप्लीट नहीं है। जी हाँ, ये सही तरीके से कंप्लीट नहीं है, जिसके वजह से सरकार ने ये सख्त से कदम उठाते हुए कहा है कि अगर इन सभी लोगों को आवास का लाभ चाहिए तो ये लोग अपने डॉक्यूमेंट को सही करवाएं। अभी मैं आपको बता दूं, आधार कार्ड को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। आधार कार्ड को लेकर जो अपडेट आई, उस अपडेट के अनुसार जितने भी भाइयों ने अभी 10 साल तक, जैसे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे लेडीज़ हो, जेंट्स हो, या फिर मतलब महिला पुरुष कोई भी हो, अगर उन्होंने 10 साल तक कोई भी आधार में काम नहीं करवाया है, तो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आई है कि जल्दी से जल्दी जाकर वो अपने आधार कार्ड में कुछ ना कुछ जरूर अपडेट करवा ले, नहीं तो आपका आधार कार्ड हो सकता है रद्द। अगर आपका आधार कार्ड रद्द हो सकता है या फिर अभी आधार आपका डेमोग्राफी वेरीफाई नहीं हुआ है, तो उसके वजह से ना आधार पर पैसा रोका गया होगा, या फिर उसके वजह से आपको आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पैसा वो भी डीबीटी के माध्यम से आता है। अगर भाई आप लोगों ने पैसा आपको डीबीटी वेरीफाई नहीं करा है, वो सब डीबीटी के माध्यम से आते हैं। जो डीबीटी वेरीफाई प्रॉब्लम समस्या है उसको खत्म नहीं करवाएंगे तो आपको आवास का लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे बहुत सारे लाभार्थी हैं जिनको पता ही नहीं चल पाता कि क्या मेरे आधार में कुछ कमी है, क्योंकि आधार कार्ड तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं। चलिए देखिए, मोबाइल है, चलो ओपन कर ले, दिख जाए गलत है, तो उसमें जो सारी चीज़ें वो अंदर ही दिखाई देती हैं। वो अपने नज़दीकी किसी भी ऑफिस में जाकर, जहाँ पर बैंक में है, पोस्ट ऑफिस में, बहुत सारी जगह पर, सीएससी सेंटर पर, जहाँ पर आधार का काम चल रहा है, वहाँ पर जाकर संपर्क करें और अपने आधार कार्ड को सुधार करवाएं, जिससे कि आपको आवास योजना का पैसा, पेंशन का पैसा, किसान सम्मान निधि योजना का पैसा, यानी एक प्रकार से कहें सभी चीज़ों का पैसा आपको रिसीव हो सके। दोस्तों और एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और आगे मैं जितनी अधिक से अधिक अपडेट दे पाऊंगा आपको देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों बात करें पीएम आवास योजना की तीसरी किस्त को, उम्मीद है इस महीने तीसरी किस्त सभी व्यक्ति को आ जाएगा। दोस्तों जितने भी बचे लाभार्थी हैं, 1 जून से सभी का पैसा आना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद भाइयों।